Hey everyone, welcome back to the channel. So आज हम यहाँ पर आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, आज हम इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देखने वाले हैं। पॉलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आर्टिकल्स तो पूछे जाते हैं, ये टॉपिक भी काफ़ी पूछा जाता है, तो कुछ चीज़ें इसकी हम देखेंगे। और मेरे साथ पॉलिटी कर रहे हैं तो फिर डिटेल में ही जाएगा, मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ जाएगा डिटेल में। चलिए कोशिश करते हैं इसको कंप्लीट करने की, इस पूरे टॉपिक को। और शुरू करने से पहले हम, क्योंकि अमेंडमेंट देखने वाले हैं, उसको शुरू करने से पहले कुछ की फैक्ट्स देख लेते हैं। पहली चीज़ लिखी हुई है, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा अडॉप्ट और इनेक्ट कब किया गया था, 26 नवंबर 1949 को। और ख़ुद हमारी प्रस्तावना जो है, प्रियम्बल है, वो ये कहती है कि हम, शुरुआत कहाँ से होती है प्रियम्बल की, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और एंडिंग देखेंगे प्रस्तावना की या फिर प्रियम्बल की एंडिंग देखेंगे तो उसमें डेट लिखी रहती है 26 नवंबर 1949। तो हमने, इंडियंस ने, भारत के लोगों ने 26 नवंबर 1949 को कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया और इनेक्ट किया। लेकिन ये फोर्स में कब आया, तो फोर्स में ये आया था 26 जनवरी 1950 को। अब दोनों में ये डिफरेंस क्या है और क्यों है, क्योंकि 26 नवंबर 1949 तक पूरा संविधान रेडी हो चुका था, सबके सहमति भी इसमें मिल गई थी, जितने भी उपस्थित लोग थे, प्रेजेंट जितने मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनकी भी मिल गई थी सहमति फाइनल वाली। तो इसी दिन क्या हुआ कि वो पारित कर दिया गया, और क्योंकि सबके सिग्नेचर हुए हैं संविधान पर, जितने भी हमारे मौजूद सदस्य थे, जैसे 299 जो मेंबर्स थे उनमें से 284 मेंबर्स ऐसे थे जो उस दिन प्रेजेंट थे, इन सभी के सिग्नेचर हुए थे संविधान पर। तो सिग्नेचर वाले दिन, जब भी हम किसी पेपर पर सिग्नेचर करते हैं तो उसी दिन की डेट डालते हैं ना, जिस दिन होता है सिग्नेचर, तो इसीलिए संविधान में ये डेट डाली गई जिस दिन सिग्नेचर हुए थे। अब हमने 26 जनवरी को पूरा एक साथ ही क्यों नहीं कर दिया, 26 जनवरी को क्यों लिया, क्योंकि इसका एक अपना महत्व है इस दिन का, 26 जनवरी का। और वो महत्व कौन सा है, 1930 में महत्व इसका हमें देखने को मिलता है। क्या हुआ था, 1929 में कांग्रेस का सेशन हुआ था, कौन सा सेशन था, लाहौर सेशन था। इस सेशन में एक रेजोल्यूशन पास किया गया और इसी रेजोल्यूशन के आधार पर 26 जनवरी के दिन 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया था हमने। तो ये दिन काफ़ी बड़ा था इतिहास में, और इस दिन को हम भूले ना, और इतिहास में, हिस्ट्री में हम देखते हैं बहुत सारी चीज़ें हुई थी, बहुत सारी घटनाएं हुई थी, तो उन्हीं घटनाओं में से एक ना मानकर इसे स्पेशल दर्जा देने के लिए, ये 26 जनवरी 1950 इसी दिन हम गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं ना, इसलिए मनाते हैं क्योंकि ये दिन को इसीलिए चुना गया था, ताकि ये दिन भी एक स्पेशल अपनी जगह बनाए रखे हमेशा। तो कुछ ऐसे आर्टिकल्स थे जो ये, जो 26 नवंबर 1949 है, इसकी, इस दिन ही अपने आप ही लागू हो गए थे, जैसे हम देखते हैं आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9 ऐसे कुछ आर्टिकल, या फिर आर्टिकल 60 है जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, या फिर हमारा जो इलेक्शन कमीशन वाला आर्टिकल है 324, ये कुछ आर्टिकल्स थे जो खुद ही लागू हो गए थे संविधान को अडॉप्ट करते ही। और फिर बाकी जो आर्टिकल्स थे उनको हमने किया फोर्स में लेकर आए 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करें प्रियम्बल की, तो ये एक्सेप्ट की गई थी 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट आता है नेशनल फ्लैग, जिसको 22 जुलाई 1947 में एक्सेप्ट किया गया था। नेशनल सॉन्ग जो कि है वंदे मातरम, इसे हमने 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया। नेशनल एंथम जो कि है जन गण मन, इसको भी 24 जनवरी 1950 को किया था। और राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि हमारे पहले प्रेसिडेंट थे आज़ाद भारत के, ये 24 जनवरी 1950 को प्रेसिडेंट के तौर पर इलेक्ट किए गए थे। और 24 जनवरी 1950 का ही वो दिन था जिस दिन संविधान सभा हमारी जो है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसकी लास्ट बैठक हुई थी। ये हो गई अब कुछ बेसिक चीज़ें। नेक्स्ट आते हैं, अब बात कर लेते हैं अपने टॉपिक की मेन, जो कि है अमेंडमेंट का। तो रिसेंट अमेंडमेंट्स में सबसे पहले आता है 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये किस बारे में है, ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच बाउंड्री के बारे में है। अब इंडिया और बांग्लादेश के बीच में, आप लोगों को ये तो पता होगा कि गंगा, वहाँ पर गंगा जो है, गंगा की एक धारा बांग्लादेश में जाती है, उसी तरह से ब्रह्मपुत्र जो है नॉर्थ ईस्ट से बहते हुए आती है और बांग्लादेश में जाती है। तो जहाँ पर नदियाँ मिलती हैं जाकर, या फिर नदियाँ जहाँ से फ्लो कर रही हैं, वो रीजन कैसा होता है वो इमेजिन कीजिए। और अब जब हम इंडिया और बांग्लादेश की बाउंड्री की बात करते हैं ना, तो ऐसे ऐसे कुछ था, ऐसे ऐसे। अब मान लीजिए ये वाला पार्ट है इंडिया का और ये पार्ट है बांग्लादेश का, तो दो देशों की बाउंड्री अगर ये बिल्कुल सीधी सीधी हो तो कितनी आसानी रहती है, लेकिन अगर ऐसी टेढ़ी मेढ़ी है, मतलब ये वाला पार्ट इंडिया का है सारा, है ना, ये वाला पार्ट सारा इंडिया का है, और आपको ये चीज़ पता होगी कि सुंदरबन वाला एरिया ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच में आता है, सुंदरबन डेल्टा जो पूरा है, तो बहुत प्रॉब्लम होती थी दोनों कंट्रीज़ को ही। तो इसी वजह से ये अमेंडमेंट किया गया, और ये जो ऐसे ऐसे बाउंड्री है ये ऐसे हो जाए बाउंड्री।
अब ऐसे होने के लिए क्या करना पड़ेगा कि कुछ एरियाज़ ऐसे हैं, जैसे ये एरिया है बांग्लादेश को इंडिया को देना पड़ेगा, ये एरिया जो इंडिया के सारे हैं ये इंडिया को बांग्लादेश को देना पड़ेगा। तो यही किया गया था इस अमेंडमेंट में। ये एक लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था 1974 में बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। इसमें कुछ एरियाज ऐसे थे जिनको एक्सचेंज करना था दोनों कंट्रीज़ के बीच। एक्सचेंज करने का रीज़न मैंने आपको बता दिया। तो इसके तहत क्या हुआ, बांग्लादेश के द्वारा इंडिया को 51 एनक्लेव्स दिए गए और इंडिया ने बांग्लादेश को 111 एनक्लेव्स दिए। दोनों ही शगुन के नंबर हैं तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, 51 रुपये 111 रुपये, ऐसे करके कुछ याद कर लीजिए। और ये जो टेरिटरी थी मेनली असम, वेस्ट बंगाल और मेघालय, इन तीनों स्टेट्स की टेरिटरी थी जो कि एक्सचेंज की गई। ठीक है, तो ये 100th अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था हमारा। अब आता है 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। कब हुआ ये, 2016 में हुआ। कितने दिनों बाद कोई अमेंडमेंट किया गया, ये 1974 में हुआ था और ये हुआ अब 2016 में आकर। तो ये जो है कौन सा बिल नंबर था याद रखिए, क्योंकि ये GST वाला है। ठीक है, ये जो अमेंडमेंट एक्ट है GST इससे लागू हुआ है और इसका बिल नंबर कौन सा है, 122nd 122वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है। 2014 में बिल लाया गया था और ये अमेंडमेंट एक्ट 2016 में। मतलब ये प्रोसेस तो आप लोगों को पता होगी ना कि पहले कोई बिल लाया जाता है, बिल अगर पास हो जाता है तो वो अमेंडमेंट बन जाता है, एक्ट बन जाता है, वो उसको संविधान में मेंशन कर दिया जाता है। ठीक है, तो 2014 में बिल लाया गया था, 2016 में ये एक्ट बन गया। तो अमेंडमेंट एक्ट 101वां है, 122वां बिल नंबर है। ठीक है, GST इसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया। नेक्स्ट आता है 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ये कब आया, 2018 में आया। ये बिल भी 2018 का है और ये एक्ट भी 2018 का है। 123वां है ये, 122 के बाद ही आया। अच्छा, अगर ये आपको कन्फ्यूज़न अगर हो रहा है, सबको नहीं होगा, आई नो कुछ को हो सकता है कि हो कि 101 अमेंडमेंट एक्ट है और ये 122वां इतना ज़्यादा कैसे है। तो ऐसा हो जाता है कि बिल कई सारे लाए जाते हैं लेकिन सारे बिल पास नहीं होते, सारे बिल एक्ट नहीं बनते हैं। ठीक है, तो इसलिए बिल नंबर ज़्यादा हो सकता है, जितने अमेंडमेंट हो जाते हैं, जितने एक्ट, जितने बिल पास हो जाते हैं उनको अमेंडमेंट एक्ट में गिन लिया जाता है, तो इसलिए ये डिफरेंस आ जाता है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे 102nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की। इसके ज़रिए क्या किया गया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। आर्टिकल 338 पढ़ा है ना, 338 में क्या दिया गया है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। और 338A ये किस बारे में है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। ये भी आप लोगों को पता होगा, पहले ये दोनों एक ही थे, पहले सिर्फ 338 था, 338A नहीं था। एक ही आर्टिकल में SC और ST के लिए नेशनल कमीशन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन फिर उसको अलग अलग कर दिया गया। बैकवर्ड क्लासेस के लिए इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं मिला हुआ था किसी भी नेशनल कमीशन को, तो ये बनाया गया इस एक्ट, इस अमेंडमेंट एक्ट के जरिए, 102 के जरिए, और आर्टिकल 338B में इसको मेंशन कर दिया गया। और इसके अलावा 342A भी आर्टिकल इंसर्ट किया गया। अब 342 में क्या है, तो देखिए 341 जो है ये SCs के बारे में है, ठीक है, और 342 STs के बारे में है। अब क्योंकि जो बैकवर्ड क्लासेस हैं इनके लिए कुछ नहीं था आर्टिकल संविधान में, तो इसलिए 342 में सब सेक्शन एक ए ऐड कर दिया गया जिसमें बैकवर्ड क्लासेस के बारे में मेंशन किया गया है। ठीक है, याद रहेंगी ये चीज़ें। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है हमारा अमेंडमेंट एक्ट 103। ये कब का है, 2019 का है। ये कौन सा बिल है, तो 124वां है, 2019 का ही बिल भी है। वैसे पता है ना, ये तो गवर्नमेंट, जो अभी की गवर्नमेंट है, इसके द्वारा ज़्यादातर बिल जो लाए जा रहे हैं वो पास हो ही जाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपको बिल में डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। 122, 123, ये 124 है। अब इसके ज़रिए क्या किया गया, EWS जो नई कैटेगरी हमें देखने को मिलती है रिजर्वेशन में, वो इस एक्ट के ज़रिए लेकर आई गई। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए रिजर्वेशन की व्यवस्था की गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट और प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में 10% रिजर्वेशन EWS के लिए प्रोवाइड किया गया है इस अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए। अब ये जो अमेंडमेंट किया गया है ये आर्टिकल 46 को ध्यान में रख के किया गया। आर्टिकल 46 क्या है हमारा, DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें बोला गया आर्टिकल 46 में कि गवर्नमेंट शुड प्रोटेक्ट द एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन। अब वीकर सेक्शन किसी भी सेंस में हो सकते हैं, तो ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन रखा गया। ठीक है, और इसी DPSP को आधार बनाकर ये अमेंडमेंट एक्ट लाया गया। इस एक्ट के जरिए आर्टिकल्स जो ऐड किए गए वो हैं आर्टिकल 15(6) और 16(6). आर्टिकल 15 और 16 क्या हैं, ये फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे। आर्टिकल 15 में बोला गया है कि जो राज्य है वो किसी भी व्यक्ति के साथ में केवल धर्म
कास्ट, जेंडर, बर्थ इन सभी के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेगा, और इसमें एजुकेशनल फील्ड के बारे में बेसिकली बात की गई है। हालांकि आगे हम सब सेक्शन पढ़ते हैं आर्टिकल 15 के, तो ये बोला भी गया, मेंशन किया गया संविधान में कि जो राज्य है वो भेदभाव नहीं करेगा, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ती है सर्टन ग्राउंड्स पर भेदभाव कर सकता है, जैसे कि रिजर्वेशन देना है किसी को, तो रिजर्वेशन मिला हुआ है हमारे देश में काफ़ी सारा, ठीक है। तो उसी में से फिर 15 में 6 एक सब सेक्शन ऐड कर दिया गया, जिसमें EWS के लिए एजुकेशन में रिजर्वेशन की बात की गई। और 16(6) आर्टिकल 16 क्या बोलता है कि सरकारी पद पर नियुक्ति के लिए सभी के लिए अवसर की समानता होगी, है ना, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है। लेकिन वहाँ भी कुछ एक्सेप्शन हैं कि कुछ सर्टन सेक्शंस के लिए सरकार जो है वो भेदभाव कर सकती है, अवसर की असमानता वहाँ पर कर सकती है। अगर किसी को सरकार के सपोर्ट की ज़रूरत है तो वहाँ पर किया जा सकता है ना, जैसे रिजर्वेशन उसमें भी दिया गया, नौकरियों में दिया जाता है। तो फिर इसमें भी एक सब सेक्शन जोड़ा गया 16 में, सब सेक्शन 6 एम्प्लॉयमेंट में EWS के लिए रिजर्वेशन के लिए। अब नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये भी 2019 का है, और ये है 126 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2019 का। अब देखिए बिल में यहाँ पर नंबर चेंज हुआ है, 124 के बाद 126 आया है। 125 जो है ये भी बिल आया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2019 में ये भी आया था, और इसमें ना बेसिकली जो हमारा 6th शेड्यूल है, जिसमें 4 स्टेट्स हैं नॉर्थ ईस्ट के, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय, ये चारों स्टेट्स हैं 6th शेड्यूल में, तो 6th शेड्यूल को अमेंड करने के लिए बिल लाया गया था। साथ में फाइनेंस कमीशन जो है उसमें भी कुछ अमेंडमेंट करने के लिए इस बिल को लाया गया था, राज्यसभा में इसको पेश किया गया था, लेकिन ये अभी तक इसका कुछ हुआ नहीं है फाइनल। इसीलिए हम देखते हैं 104 अमेंडमेंट जो है 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल से आया था 2019 में, ठीक है। अब इसमें क्या किया गया था, हमारे लोकसभा और राज्यसभा में या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में SC और ST के लिए कुछ सीट्स का रिजर्वेशन दिया हुआ है ना, और वो रिजर्वेशन किस आधार पर है कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितनी जनसंख्या है उसके आधार पर उसका होता है रिजर्वेशन, ठीक है। तो अभी वो जो रिजर्वेशन दिया हुआ है हर 10 साल में उसको रिन्यू किया जाता है, हर 10 साल के लिए दिया जाता है, क्योंकि शुरुआत में भी जो चीज़ें हुई थी ना ज़्यादातर फिक्स नहीं की गई थी, कुछ चीज़ें 10 साल के लिए, जैसे लैंग्वेज का एक इशू है वो 10-15 साल के लिए कर दिया गया था कि इंग्लिश का यूज़ करेंगे फिर धीरे धीरे हिंदी लेकर आएंगे। इसी तरह से रिजर्वेशन में भी किया था कि 10 साल के लिए हम रिजर्वेशन दे रहे हैं, फिर आगे अगर रखना हो जारी सरकारों को तो वो इसको रिन्यू करते रहें, तो इसीलिए हर 10 साल में रिन्यू किया जाता है जो रिजर्वेशन दिया जाता है SC और ST को हमारी असेंबली में, तो उसी को एक्सटेंड करने के लिए वापस से 10 सालों के लिए ये लेकर आया गया था, ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ है। एक चीज़ इसमें ये भी हुई है कि हर बार जो SC ST के लिए होता था रिजर्वेशन, उसी तरह से जो हमारे यहाँ पे एंग्लो इंडियन की सीट्स रहती थी लोकसभा में या फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, लोकसभा में कितनी सीट्स, 2, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में 1 सीट होती है एंग्लो इंडियन के लिए, तो उसको भी रिन्यू किया जाता है हर 10 साल में। लेकिन ये जो अमेंडमेंट एक्ट लाया गया इसमें एंग्लो इंडियन की कोई सीट रिन्यू नहीं की, उसके लिए कोई रिन्यू नहीं किया गया, ख़त्म भी करने के लिए भी कुछ नहीं बोला लेकिन रिन्यू भी नहीं किया, इसका मतलब वो अपने आप ख़त्म हो गया, ठीक है। आर्टिकल 334 है इससे रिलेटेड। तो अब जो SC ST को लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में रिजर्वेशन मिला हुआ है वो अब बढ़ गया है 25 जनवरी 2030 तक रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये 2021 का है, और इसका कौन सा बिल है, ये 127 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, 2021 में आया था। ये किस बारे में है, तो हमारा जो 102nd अमेंडमेंट हुआ था हमारा किस बारे में था, NCBC के बारे में, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के बारे में। इसमें कुछ अमेंडमेंट करने के लिए ये वाला अमेंडमेंट किया गया। इसमें ये बोला गया, पहले क्या था कि NCBC के लिए बैकवर्ड क्लासेस के लिए जो भी लिस्ट बनानी पड़ती है, जिसको भी लिस्ट में शामिल करना होता है, मेंटेन करना होता है, वो काम क्या, पहले प्रेसिडेंट कर सकता था गवर्नर से डिस्कस करके, लेकिन अभी ये बोला गया कि स्टेट्स जो हैं वो खुद मैनेज कर सकते हैं, वो खुद मेंटेन कर सकते हैं बैकवर्ड क्लासेस की, उनकी जो स्टेट की लिस्ट है, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना कि हर एक स्टेट में अलग अलग लोगों को, अलग अलग कम्युनिटी को बैकवर्ड क्लासेस में डाला जाता है, और वो इस आधार पर होता है कि किसकी कहाँ पर जनसंख्या किस तरह से है, ठीक है। तो ये बोला गया कि स्टेट्स खुद मेंटेन करें अपनी स्टेट लिस्ट को, बैकवर्ड क्लासेस की स्टेट लिस्ट को, तो जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस की लिस्ट है वो स्टेट खुद, उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट को पावर दे दी गई। जो 102 वाला जो हमारा अमेंडमेंट था उसमें ये नहीं था, ठीक है, उसमें स्टेट्स के पास पावर नहीं थी।
यहाँ पर स्टेट्स को पावर देने के लिए ये अमेंडमेंट लेकर आया गया। चलिए आगे बात करते हैं बाकी कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स की। तो सबसे पहला अमेंडमेंट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, कब हुआ था, 1951 में हुआ था। हमारा संविधान कब लागू हुआ था, 1950 में, और एक साल बाद ही अमेंडमेंट की ज़रूरत पड़ गई थी। पहला अमेंडमेंट हो गया था 1951 में। इसके ज़रिए क्या किया गया था, हमारे संविधान में 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था। और ये 9th शेड्यूल जो है ना, लैंड रिफॉर्म्स के लिए बेसिकली लाया गया था। लैंड रिफॉर्म्स सरकार लेकर आ रही थी, जैसे आपने सुना होगा ना लैंड रिफॉर्म्स वाला अगर वो टॉपिक पढ़ा है, तो जैसे भूमि चकबंदी वगैरह की जा रही थी, काश्तकारी सिस्टम जो पहले होता था उसको ख़त्म किया जा रहा था। तो लैंड रिफॉर्म्स जो लाए जा रहे थे उसमें प्रॉब्लम आ रही थी। प्रॉब्लम ये आ रही थी कि हमारे पास एक उस टाइम पर फंडामेंटल राइट हुआ करता था, राइट टू प्रॉपर्टी का, जो अभी फंडामेंटल राइट नहीं है, एक बेसिक सा वैधानिक राइट है, तब फंडामेंटल राइट था। और लैंड रिफॉर्म्स में आप थोड़ा कनेक्ट कीजिएगा कि लैंड रिफॉर्म अगर सरकार को लगाना है, सरकार क्या कर रही थी कि जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हैं, या फिर एक लिमिट कर दी है ना, भूमि की चकबंदी कर दी, एक सीमा लगा दी कि इतने से ज़्यादा अगर किसी के पास ज़मीनें हैं तो वो दे दे, ठीक है, सरकार को दे दे, फिर सरकार क्या करेगी, जिनके पास ज़मीनें नहीं है उनको दे दी जाएंगी। तो एक वो लिमिट लगाए, अब हमारे पास एक राइट भी है जो है संपत्ति का अधिकार, तो कितना क्लैश करेगा कि हमारे पास राइट है संपत्ति कितनी भी रखने का, तो आप ये सीमा नहीं लगा सकते। और क्योंकि वो फंडामेंटल राइट था तो क्या करते थे लोग, सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते थे, और जाते भी थे। जो बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं जिनके पास बहुत सारी ज़मीनें हैं, वो जाएंगे अपनी ज़मीनें बचाने के लिए कि भाई हमारा फंडामेंटल राइट है, छीना जा रहा है, सरकार ऐसे नहीं ले सकती। तो इसीलिए किया गया था, 9th शेड्यूल लाया गया। और इसमें क्या किया कि ऐसी चीज़ें कुछ इसमें डाली जाएंगी, मतलब ये बोला गया कि ये जो शेड्यूल है इसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता, जिसको हिंदी में कहते हैं न्यायिक समीक्षा, वो नहीं हो सकती है। जो भी चीज़ें 9th शेड्यूल में ऐड कर दी जाएंगी, इसमें डाल दी जाएंगी, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं होगी। तो इसी तरह से जो हमारा लैंड रिफॉर्म्स लाए जा रहे थे उस टॉपिक को भी इसी के अंदर डाल दिया गया था। तो फिर ये हो गया कि अब इसमें 9th शेड्यूल में टॉपिक चला गया है, तो अब इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती। अभी आपका फंडामेंटल राइट हो जो भी हो, लेकिन इसके अंदर जो चीज़ गई उसके बाद वो कैंसिल नहीं हो सकती, उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं हो सकती है। तो इसलिए वो लाया गया था, ठीक है। और क्योंकि आज़ादी के बाद इनिशियल फेजेस में ही ये सारे सुधार लेकर आए जा रहे थे, इस वजह से उसी टाइम पर ये अमेंडमेंट हुआ था। इसके अलावा इस अमेंडमेंट में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई थी, वो ये था कि हमारा जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, कौन सा आर्टिकल है, 19(1), इसमें रिस्ट्रिक्शन के लिए 3 और ग्राउंड्स जोड़ दिए गए थे, पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशन विद फॉरेन स्टेट्स, और इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। मतलब ये कि अगर ये तीनों चीज़ें पाई जाती हैं ना, तब भी आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन पर रोक लगाई जा सकती है, उसको रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। अगर आप पब्लिक ऑर्डर बिगाड़ते हैं, अगर आप फॉरेन स्टेट्स के साथ में फ्रेंडली रिलेशन बनाते हैं जो कि देश के हित में नहीं हो सकता, और अगर इंसाइटमेंट ऑफ टू एन ऑफेंस, मतलब अगर किसी अपराध के लिए भड़काते हैं आप किसी को, तो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं, ये 3 ग्राउंड्स और जोड़ दिए गए थे रिस्ट्रिक्शन के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं इंपॉर्टेंट जो है 7th अमेंडमेंट, 1956 में ये हुआ था। इसमें क्या किया गया, जब ये पॉलिटी पढ़ना शुरू करते हैं, स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स पढ़ते हैं, उसी में आता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स। अभी पहले क्या था, जब हम आज़ाद हुए थे 1950 का अगर मैं बात करूं, तो 4 कैटेगरीज में स्टेट्स को बांटा गया था। हमारे यहाँ पे जितने भी स्टेट्स हैं, जिनको बोला जा रहा था पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जा रही हूँ ना यार, मेरे को नहीं पता, मैनेज कर लेना, स्किप कर देना जहाँ पे आपको लगे कि फालतू की चीज़ है। तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड जो थे, ये हमारे पास टोटल 29 थे। फिर आपको पता होगा स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन करने के लिए अलग अलग कमिटीज़ बनाई गई थी, जैसे कि धर कमीशन बनाया गया था, JVP कमेटी बनाई गई थी, फजल अली कमीशन बनाया गया था। तो इन सब कमीशन्स को बनाने के बाद, इनके रिकमेंडेशंस को देखने के बाद, फिर क्या किया गया, बाद में 7th अमेंडमेंट लाया गया 1956 में, और रीऑर्गेनाइजेशन किया गया स्टेट्स का, जिसके बाद हमें ये चीज़ याद रखिएगा, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज हमें देखने को मिली, ठीक है। तो स्टेट्स का रीऑर्गेनाइजेशन होने के बाद हमारे पास नंबर ये था, ये तो अभी भी सेम ही है, ये डबल हो गया है। फिर क्या किया गया था, इस अमेंडमेंट में एक और चीज़ थी, कॉमन हाई कोर्ट, ये बोला गया, ये प्रोविजन किया गया कि 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स का एक कॉमन हाई कोर्ट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है सारे स्टेट्स का अलग अलग हाई कोर्ट ही हो, क्योंकि कुछ स्टेट्स बहुत छोटे भी हैं, जैसे गोवा है, सिक्किम है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं हमारे, बाकी यूनियन टेरिटरीज हैं। अगर सबका अलग हाई कोर्ट बनाएंगे तो वो एक्स्ट्रा बर्डन है ना, इतनी ज़्यादा जनसंख्या नहीं है, तो एक हाई कोर्ट की ज़रूरत नहीं है, किसी और स्टेट के हाई कोर्ट में कंबाइन कर सकते हैं। तो ये प्रोविजन डाला गया था इसी अमेंडमेंट के ज़रिए। और फिर साथ में पार्ट 7 जो है इसको रिपील, इसमें आर्टिकल 238 जो है इसको रिपील किया गया।
फिर नेक्स्ट आते हैं अमेंडमेंट है 21st अमेंडमेंट 1967 का। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आठवां हमारा है ना, आठवीं अनुसूची 8th शेड्यूल, जिसमें 22 लैंग्वेजेस हैं, तो ये 22 लैंग्वेजेस सारी एक साथ नहीं डाली गई थी, धीरे धीरे करके इसमें ऐड की गई। तो ये 21st अमेंडमेंट के ज़रिए सिंधी लैंग्वेज को इसमें ऐड किया गया था 8th शेड्यूल में। फिर आता है 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 का। इसके ज़रिए पार्लियामेंट को पावर दे दी गई टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। ये बोला गया कि पार्लियामेंट के पास बहुत सारी पावर है, और फंडामेंटल राइट्स हो या कुछ भी हो संविधान में, पार्लियामेंट उसको अमेंड कर सकती है। तो पार्लियामेंट की पावर जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई थी, एक्सटेंड कर दी गई थी। और साथ में ये भी बोला गया कि प्रेसिडेंट की एसेंट ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा कंपल्सरी है टू कॉन्स्टिट्यूशनल बिल। अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बिल आ रहा है तो वो प्रेसिडेंट की असेंट के बिना नहीं हो सकता पास, ठीक है। फिर आता है 26th अमेंडमेंट 1971 में, ये अमेंडमेंट भी हुआ। इसमें प्रिवी पर्स जो है इसको अबॉलिश कर दिया गया था। प्रिवी पर्स क्या है, तो जब भी आप लोगों को याद है थोड़ी सी स्टोरी कि जब भी हम अलग अलग हुए थे इंडिया और पाकिस्तान, उस समय पर ये बोला गया था सारे प्रिंसली स्टेट्स को कि वो चाहें तो इंडिया के साथ रहें, चाहें तो पाकिस्तान के साथ रहें। तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स भारत में पहले शामिल हो गए थे, तो उस टाइम पर वो खुशी खुशी भारत के साथ बने रहें, उन्हें एक अश्योरेंस दे दी गई थी कि अब क्योंकि आपके ये जो राजा महाराजाओं वाली चीज़ें हैं ये तो ख़त्म हो रही हैं, है ना, एक हमारी जो डेमोक्रेसी तैयार हो रही है, इंडिया डेमोक्रेसी के रूप में उभर रहा है और एक गणतंत्र बन रहा है जहाँ राजा महाराजा की कोई जगह नहीं है। लेकिन ताकि आपको ऐसा बहुत लेफ्ट आउट फील ना हो, इसलिए हम क्या करेंगे, आपको पेंशन मिलती रहेगी, ताकि जो राजा और राजकुमार है वो अपने तरीके से जैसे जी रहे थे वैसे जी सके और उनको ऐसा लेफ्ट आउट सा फील ना हो। तो वो उसको ही प्रिवी पर्स बोला जाता है। तो वो प्रिवी पर्स को कैंसिल किया गया था 1971 में, ठीक है, इसको ख़त्म किया गया था, जो भी प्रिविलेज मिलते थे प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स को। फिर आ जाता है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, जो कि है 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आया था। इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। और फिर इसके बाद जो 44th अमेंडमेंट आया 1978 में, उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी की गई जो इसको उलटने के लिए की गई थी। क्योंकि ये जो आया था ना, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी उस टाइम पर इमरजेंसी लगाई थी उन्होंने, तो इमरजेंसी के दौरान ही ये वाला अमेंडमेंट किया गया था संविधान में, और बहुत सारे चेंजेस किए गए थे। जैसे कि सबसे पहले चीज़, कुछ अच्छे भी थे कुछ ख़राब भी थे, जो ख़राब थे उनको ठीक करने के लिए 44th आया था अमेंडमेंट, ठीक है। तो जैसे पार्ट 4A कौन सा है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का है, ये शामिल किया गया था। फिर पार्ट 14A को शामिल किया गया था। ये अमेंडमेंट मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव अमेंडमेंट है, जैसे कि फंडामेंटल राइट 15A, ये शामिल किया DPSP में, आर्टिकल 39F, 43A, 48A, फिर आर्टिकल 323A, 323B, इनको शामिल किया गया था। हमारी जो प्रैम्बल है उसमें सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी, ये तीन शब्दों को शामिल किया गया था। अच्छा, ये चीज़ भी याद रखिएगा, प्रैम्बल में अभी तक सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, और ये 42nd अमेंडमेंट में हुआ था, जब ये तीन वर्ड जोड़े गए थे प्रैम्बल के अंदर। फिर इसके अलावा 5 सब्जेक्ट ऐसे थे जो स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट के अंदर भेजे गए थे। 3 तरह की लिस्ट है हमारे यहाँ पर, ये आपको पता होगा, 7th शेड्यूल के अंदर हैं ये तीनों लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में केंद्र सरकार कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट जो हैं उन पर स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, और कंकरेंट लिस्ट ऐसी है जिस पर दोनों गवर्नमेंट कानून बना सकती हैं। तो 5 सब्जेक्ट ऐसे थे जिनको स्टेट लिस्ट, मतलब स्टेट की पावर थोड़ी सी कम करके इसमें कंकरेंट में डाल दिया गया था, ताकि यूनियन भी उन पर बना सके अपने कानून, ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट कौन से हैं, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स, और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। ये 5 सब्जेक्ट हैं जिनका चेंज किया गया था। अब नेक्स्ट आता है हमारा 44th अमेंडमेंट 1978 में ये हुआ था। अब ये तो मैंने पहले ही बताया कि 44th अमेंडमेंट 1978 में जो आया था, मेनली इसीलिए आया था क्योंकि 42nd अमेंडमेंट में कुछ चेंज करने थे उसके प्रोविजन में। जैसे कि सबसे बड़ा चेंज ये था, जिस वजह से इमरजेंसी लगी थी। इमरजेंसी क्यों लगी थी, कोई उसका मेजर आधार नहीं था, कोई उसका बड़ा इंटरनल डिस्टर्बेंस बोलकर इंदिरा गांधी के द्वारा वो लगाई गई थी। तो ये किया गया कि इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर अब इमरजेंसी नहीं लग सकती, अगर आर्म्ड रिबेलियन हुआ है, सशस्त्र विद्रोह हुआ है, तो ही इमरजेंसी लगेगी, ये कंडीशन कर दी गई थी। फिर इसके अलावा एक ये किया गया था कि राइट टू प्रॉपर्टी जो है, पहले हमारा फंडामेंटल राइट था आर्टिकल 31 में, और 19(1)(f) में भी इसके बारे में मेंशन थी चीज़ें, इसको चेंज कर दिया गया, फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया, एक लीगल राइट बना दिया गया आर्टिकल 300A में, इसको पहुंचा दिया गया।
नेक्स्ट आता है 52nd Amendment Act 1985 में, जिसका मेन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हुई थी, एंटी डिफेक्शन लॉ बनाया गया था, 10th Schedule हमारे संविधान में ऐड किया गया था। हिंदी में इसे दल बदल विरोधी कानून भी कहते हैं। बेसिकली क्या हुआ करता था कि पहले ऐसा कोई कानून नहीं था, एंटी डिफेक्शन लॉ जैसा कोई कानून नहीं था, और ये होता था कि जो लीडर्स हैं वो क्या करते थे, किसी और पार्टी से वो चुनाव लड़े और वो जीत गए, फिर जीतने के बाद किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लिया, और ऐसा करने पर उनकी जो जीत है, जो वो सीट उनको मिली थी जीतने पर, वो ख़त्म नहीं होती थी। तो इससे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती थी, सरकार गिराने के लिए इसके टूल की तरह इसको यूज़ करते थे लीडर्स। तो इसीलिए ये लेकर आया गया। उस टाइम पर एक जुमला भी बहुत फेमस था, आया राम गया राम, क्योंकि एक मेंबर थे गया राम उनका नाम था, उन्होंने बहुत ज़्यादा ये किया था एक टाइम पर कि एक पार्टी से जीते, दूसरी पार्टी में चले गए, फिर दूसरी पार्टी में चले गए, फिर दूसरी पार्टी में चले गए, ये उन्होंने बहुत किया था, उसकी वजह से उनके नाम पर ये काफ़ी फेमस हुआ था। तो उसी को ठीक करने के लिए 1985 में ये आया था और 10th Schedule ऐड किया गया। नेक्स्ट आता है 61st Amendment Act 1989 में, ये आया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसके तहत क्या किया था, एज लिमिट वोटिंग के लिए जो है, अभी हम 18 साल के लोग जो हैं, 18 साल या उससे ऊपर के लोग, वयस्क नागरिक जो हैं वो वोट करते हैं, पहले ये एज 21 साल थी, ठीक है, 21 से 18 कब किया गया था, इसी अमेंडमेंट के तहत किया गया था। फिर आ जाता है 65th Amendment Act 1990 का है, इसके ज़रिए नेशनल कमीशन फॉर SC और ST जो हैं ये बनाए गए थे अंडर आर्टिकल 338। और मैंने बताया था ना, जब हमने नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस किया था, उस टाइम मैंने बताया था कि पहले ये दोनों 338 338 में ही दोनों हुआ करते थे, लेकिन फिर 89th Amendment हुआ 2003 में, जिसके ज़रिए इन दोनों को सेपरेट कर दिया गया, 338 में SCs के लिए नेशनल कमीशन और 338A में STs के लिए नेशनल कमीशन बना दिया गया, अलग कर दिया गया दोनों को। कब किया, 2003 के अमेंडमेंट से किया। और ये जो SC ST के लिए पहले था, जो एक ही कमीशन था, नेशनल कमीशन फॉर SC and STs आर्टिकल 338 में, ये भी स्टार्टिंग से नहीं था, पहले एक ऑफिसर था, ठीक है, 338 जो आर्टिकल है ना, इसमें बोला गया था SC ST से रिलेटेड कुछ भी मैटर हो उसको देखने के लिए एक ऑफिस क्रिएट किया जाएगा, एक ऑफिसर होगा जो देखेगा। तो फिर 65th Amendment के ज़रिए उस ऑफिसर की जगह एक कमीशन बना दिया गया, ठीक है, और फिर इसमें भी कमीशन में दो सेपरेट कर दिया गया, SC के लिए अलग, ST के लिए अलग, 2003 के अमेंडमेंट से। क्लियर हुई चीज़, आई होप हुई होगी। नेक्स्ट है 71st Amendment 1992 का, इसके ज़रिए जो 22 लैंग्वेजेस हैं हमारी 7th Schedule में, उसमें पहले हमने देखा था सिंधी जोड़ी गई, फिर ये वाला जो 1992 में अमेंडमेंट हुआ है, इसके ज़रिए कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, ये 3 लैंग्वेजेस शामिल की गई। फिर नेक्स्ट आता है 73rd और 74th Amendment Act 1992 और 93 का, इसमें पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, इनको दिया गया संवैधानिक दर्जा। नेक्स्ट है 86th Amendment Act 2002 का है ये, इसके ज़रिए राइट टू एजुकेशन जो है ये दिया गया, फंडामेंटल राइट बनाया गया राइट टू एजुकेशन को, आर्टिकल 21A के तहत इसको शामिल किया गया, जिसमें बोला गया कि 6 से 14 साल तक के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन गवर्नमेंट की तरफ से दी जाएगी, फंडामेंटल राइट बना दिया इसको। फिर आता है 91st Amendment Act 2003 का है ये, इसमें क्या बोला गया, अब इसमें भी चलिए पहले मैं बता देती हूँ क्या बोला गया। ये बोला गया कि लेजिस्लेचर जो हमारा है, उसमें जितने भी मेंबर्स होते हैं उनका 15% ही मिनिस्टर्स होने चाहिए, इंक्लूडिंग PM and CM इन देयर रिस्पेक्टिव लेजिस्लेचर। दिल्ली के लिए एक्सेप्शन है, दिल्ली में 10% मिनिस्टर्स हमें देखने को मिलते हैं। अब ये किस लिए किया गया था, पहले ऐसा था ना कि ये लिमिट पहले नहीं थी, अमेंडमेंट से जोड़ी गई, मतलब पहले नहीं थी। और क्या था, जैसे मेंबर्स जितने भी हैं पार्लियामेंट में, हमारी लोकसभा में मान लीजिए जो मेंबर्स हैं सारे, ऐसी कोई लिमिट नहीं थी कि मिनिस्टर्स कितने होंगे उन सारे मेंबर्स में से, तो फालतू की मिनिस्ट्रीज क्रिएट कर दी जाती थी। क्योंकि अभी देखिए, जब 1989 के बाद वाला पीरियड हम देखते हैं ना, पॉलिटी अगर आप देखते हैं, तो हमारे यहाँ की इंडियन पॉलिटी में 1989 के बाद गठबंधन की राजनीति की शुरुआत होती है, गठबंधन की सरकारें बननी शुरू होती हैं, पहली बार ऐसा होता है। तो उसमें क्या होगा, गठबंधन की जो सरकारें बनती हैं, दो तीन पार्टीज़ या उससे ज़्यादा पार्टीज़ मिलकर सरकार बनाती हैं। जैसे अभी हम देख रहे हैं एक अलायंस बना हुआ है इंडिया नाम का, जिसमें बहुत सारी पार्टीज़ हैं। अब वो बहुत सारी जो पार्टीज़ होती हैं, उनमें कुछ कुछ मेन चेहरे होते हैं, अभी भी हम अभी का एग्जांपल लेकर देख सकते हैं, कुछ मेन चेहरे होते हैं जो उस पार्टी के प्रमुख हैं। लेकिन अब सब एक ही पार्टी में आ गए हैं, तो सबको कुछ ना कुछ मिनिस्ट्री चाहिए होगी, सबको कुछ फ़ायदा चाहिए होगा, तभी वो एक साथ जुड़े हैं।
अगर वो फ़ायदा नहीं मिलेगा तो वो पीछे हट जाएंगे। और उस टाइम पर ये होता था, गठबंधन अगर बना है कई सारी पार्टीज़ को लेकर, तो सबको अच्छी अच्छी पोजीशन चाहिए, सबको मिनिस्टर बनना है, सबको मिनिस्ट्री चाहिए कोई, तो ऐसे में फालतू की मिनिस्ट्री क्रिएट की जाती थी और बहुत सारे नंबर ऑफ़ मिनिस्टर्स हो जाते थे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो पार्टीज़ मिली हैं गठबंधन में शामिल हुई हैं वो चली जाएंगी, पीछे हट जाएंगी, तो उससे सरकार गिर जाएगी। तो सरकार को बचाने के लिए चीज़ें की जाती थी और फिर इससे प्रॉब्लम बहुत क्रिएट हो जाती थी, क्योंकि जो मिनिस्टर्स हैं वो कुछ ही होने चाहिए ना। अगर सारे मिनिस्टर्स बन जाएंगे तो उन पर कंट्रोल कौन रखेगा? पार्लियामेंट में जो पार्लियामेंटेरियंस हैं, जो MPs हैं, वो उनका काम क्या है? सरकार पर कंट्रोल रखना, सरकार से क्वेश्चनिंग करना। कंट्रोल रखने का तरीका है कि ये क्वेश्चन आवर होता है, ज़ीरो आवर होता है, या फिर हम देखते हैं अविश्वास प्रस्ताव जाता है। ये सब चीज़ें क्यों होती हैं? ताकि सरकार पर कंट्रोल रख सके। अब जब मिनिस्टर्स ही इतने सारे होंगे, आधे मेंबर्स मान लीजिए मिनिस्टर हैं, तो कंट्रोल रखने के लिए नंबर कम हो गया ना उनका, तो इसीलिए ये किया गया फिर 91st Amendment 2003 में, 15% मिनिस्टर लेजिस्लेचर में होने चाहिए। फिर आता है नेक्स्ट 92nd Amendment 2003 में, ये होता है, इसके ज़रिए जो लैंग्वेजेस हैं 18 से 22 हो गई, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये चार लैंग्वेजेस इसमें शामिल कर दी गई। फिर आगे चलते हैं, नेक्स्ट है 97th Amendment 2011 का है ये, इसके ज़रिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ फॉर्म करना एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी, और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ नाम से अलग से एक पार्ट बना दिया गया जिसका जो है पार्ट 9B, और आर्टिकल 243ZH से लेकर 243ZT ये जो हैं ये शामिल कर दिए गए, ठीक है, और अलग से एक चैप्टर बना दिया गया कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के नाम से। फिर आता है 99th Amendment 2014 में, ये होता है, और ये होता है टू एस्टेब्लिश NJAC यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। 2015 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिक्लेयर किया गया कि ये आर्टिकल जो है, सॉरी, ये अमेंडमेंट जो है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और NJAC जो है ये भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, नल एंड वॉइड कर दिया था इसको सुप्रीम कोर्ट ने। अब इसकी भी एक स्टोरी है, अगर आप लोग सुनने में इंटरेस्टेड हो तो सुन लीजिएगा, नहीं हो तो स्किप कर दीजिएगा। तो NJAC किस लिए फॉर्म किया गया था? अभी अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे जजेस होते हैं उनको अपॉइंट करने का प्रोसेस देखेंगे, तो क्या प्रोसेस है कि जो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस होते हैं, CJI हैं हमारे, उनका मेन रोल होता है इसमें। और मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का कोई जज को अपॉइंट करना है, तो एक तो CJI, उनके अलावा चार और जजेस होने चाहिए जो रिकमेंड करें कि किसको सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर अपॉइंट करना चाहिए, और फिर ये सभी मिलकर जिसका भी नाम लेते हैं, फिर हमारे प्रेसिडेंट जो हैं उनको अपॉइंट कर देते हैं एज द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब इसमें क्या होता है ना कि जुडिशियरी के लोग ही जुडिशियल एक ऑफिसर को अपॉइंट करते हैं, जुडिशियरी के लोग ही जजेस को अपॉइंट करने का काम कर रहे हैं, तो इसीलिए सरकार ने क्या सोचा, NJAC लेकर आते हैं। NJAC में क्या होगा कि एक कमेटी बनाई जाएगी, सिलेक्शन कमेटी जिसको बोल सकते हैं, जिसमें कुछ लोग होंगे जो जुडिशियरी से होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो सरकार से होंगे, और सभी मिलकर अपॉइंट करेंगे एक जज को, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को। तो ये इसलिए लेकर आया गया था, इसलिए NJAC का गठन किया गया था। लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगा कि हमारी पावर को आप ओवर रूल करना चाहते हैं, हमारे में क्यों आप इंटरफेयर कर रहे हैं, हम खुद अपना देख लेंगे। तो 2014 में NJAC का गठन किया गया, और 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने इस अमेंडमेंट को भी और NJAC को भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बता दिया और नल एंड वॉइड कर दिया। इसको फोर्थ जजेस केस के नाम से भी जानते हैं हम, ठीक है। अब ये तो हो गए हमारे सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स, अब आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं अमेंडमेंट की। अच्छा, सबसे पहले ये बताइए, चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए, अमेंडमेंट से रिलेटेड हमारे संविधान में कौन सा आर्टिकल दिया गया है, कि किस तरह से अमेंडमेंट हो सकती है, क्या क्या प्रोसेस हो सकती है, कितने तरीके से अमेंडमेंट हो सकता है, कौन सा आर्टिकल है संविधान के अंदर, कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइए। अब जब भी बात करें अमेंडमेंट की, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के लिए जो भी बिल लाया जा रहा है वो किसी भी हाउस में लाया जा सकता है, पार्लियामेंट के, लोकसभा में भी लाया जा सकता है और राज्यसभा में भी लाया जा सकता है, लेकिन स्टेट की कोई पावर नहीं है, स्टेट के पास कोई पावर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं लाया जा सकता, सिर्फ लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट के पास पावर है, और दोनों में से किसी भी हाउस में बिल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया था ना, 25th कॉन्स्टिट्यूशनल
125th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो आया था वो राज्यसभा में पेश हुआ था। इसी तरीके से दोनों में से किसी में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है सिर्फ लोकसभा में होगा, ठीक है। फिर उसके बाद देखें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल की अगर बात करें, संविधान में अगर कुछ संशोधन करना है तो उसके लिए ज्वाइंट सिटिंग की कोई व्यवस्था नहीं है। ज्वाइंट सिटिंग मतलब क्या होता है कि ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है तो पहली चीज़ प्रेजिडेंट बुलाते हैं, और ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है जब दोनों ना किसी बिल पर फैसला नहीं ले पा रहे हैं, लोकसभा भी नहीं राज्यसभा भी नहीं, तो प्रेजिडेंट बुलाते हैं ज्वाइंट सिटिंग, दोनों के मेंबर्स आते हैं और फिर वहाँ पर ही वोटिंग होती है कि बताओ ये पास करना है या नहीं करना, फाइनल बता दो। और ज़्यादातर ये होता है क्योंकि लोकसभा के मेंबर्स ज़्यादा होते हैं तो जो वो फैसला लेते हैं वो पास हो जाता है, ठीक है, वही हो जाता है, तो इस तरह से जॉइंट सिटिंग में डिसीजन लिया जाता है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है और उस पर फैसला नहीं हो पा रहा है, किसी भी एक सदन में अगर अटक गया है वो बिल, तो फिर वो पास ही नहीं होगा क्योंकि संविधान को अमेंड करने की बात हो रही है ना, मजाक नहीं है। तो इसीलिए फिर वो वहीं पर ख़त्म हो जाती है चीज़, डिसएग्रीमेंट अगर एक भी जगह हुआ तो वो डेड हो जाता है वो बिल, वो एक्ट नहीं बन पाता है। और फिर जो भी बिल पास होगा दोनों हाउसेस से, दोनों हाउस से पास होना चाहिए, उसके बाद प्रेसिडेंट की असेंट लेना ज़रूरी है, ठीक है, कंपलसरी है। और हमने देखा था 24th अमेंडमेंट एक्ट जो आया था 1971 में, इसमें ये चीज़ मेंशन की गई थी कि प्रेसिडेंट की असेंट लेना कंपलसरी है, इम्पॉर्टेंट है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस की, हमने डिटेल्स तो देख ली। पहला क्वेश्चन है, मैंने आंसर छुपा दिया इसका, तो क्वेश्चन है द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू कैटेगरी ऑफ सिटीजनशिप फॉर द पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन ऑफ सर्टेन कैटेगरीज, इट इज़ ऑफिशियली टर्म्ड एज। कभी डिटेल में पढ़ेंगे सिटीजनशिप वाले टॉपिक को, पर अभी यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि ये जो अमेंडमेंट एक्ट आया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2015 का, इसके द्वारा जितने भी इंडियन ऑरिजिन के लोग हैं उनके लिए सिटीजनशिप के लिए एक नई कैटेगरी इंट्रोड्यूस की गई थी, इस कैटेगरी को क्या बोला जाता है, ये ऑफिशियली क्या इसको नाम दिया गया, तो ओवरसीज़ सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर ये नाम दिया गया था। मतलब ऐसे लोग जो इंडिया के सिटीजन हैं लेकिन बाहर रह रहे हैं, तो उनको ये नाम दिया गया था, ये कैटेगरी इसमें शामिल की गई थी, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर तो नहीं देखा, चलिए, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर, ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा है ना, आर्टिकल्स के बारे में बताइए, और यहाँ पर पार्ट पूछा जा रहा है, पार्ट कौन सा है, पार्ट 20 है, तो आधा काम तो ये सरल हो गया आपके लिए, पार्ट 20 है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट के बारे में बात करता है और उसकी क्या प्रोसीजर है उसके बारे में बात करता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर द सेटिंग अप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स इन इंडिया, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल प्रोवाइड ये सेटअप करने के लिए कौन सा अमेंडमेंट लाया गया था, तो 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, इसमें प्रशासनिक न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल्स बनाने की भी बात की गई थी, तो आंसर होगा इसका बी। फिर आ जाता है GST कौन से अमेंडमेंट एक्ट के जरिए इंट्रोड्यूस किया गया था, तो अच्छे से याद होगा 101 अमेंडमेंट एक्ट जो था इसके जरिए इंट्रोड्यूस हुआ था और ये फोर्स में आया था 1 जुलाई 2017 को। ओहो, यहाँ पर तो मेंशन है ऑलरेडी आंसर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स प्रोवाइडेड फॉर द राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन के लिए कौन सा 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 2002 में ये अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था और इसके ज़रिए राइट टू एजुकेशन फंडामेंटल राइट का पार्ट बना दिया गया था, पार्ट 3 में इसको मेंशन कर दिया गया था, और कौन से आर्टिकल में, 21A में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हु हैज़ द अथॉरिटी टू अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की अथॉरिटी किसके पास है, तो ये हमारी पार्लियामेंट के पास है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन popularly known as the anti-defection law was added by which amendment, तो इसको हम लोगों ने देखा 52nd amendment के ज़रिए ऐड किया गया था 10th schedule को, जिसके ज़रिए anti-defection law लाया गया। Next question है, the basic structure doctrine which limits the amending power of the Indian parliament was established in which case, basic structure doctrine basically ये है, कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जिन पर संविधान हमारा based है, जैसे कि democracy है या फिर सोवरेनिटी है हमारी, या फिर हम बोले जुडिशरी के पास जो पावर है जो उसका उसको सेपरेट किया गया है लेजिस्लेचर से, ये कुछ चीज़ें ऐसी बेसिक हैं वो चेंज ना हो बाकी आप जो चाहो चेंज करो, तो ये केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला जो केस है इसके ज़रिए ये डॉक्ट्रिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट आता है, विच अमेंडमेंट एस्टेब्लिश्ड द नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन NJAC फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, कौन सा था ये, 99th अमेंडमेंट जो है ये NJAC से रिलेटेड था। Who can
इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ अमेंडिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट करने के लिए कौन इनिशिएट कर सकता है, तो कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि मिनिस्टर ही हो, वो एमपी है, पार्लियामेंट का मेंबर है तो इनिशिएट कर सकता है। अगला क्वेश्चन आता है, फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरोड द प्रोविजन फॉर प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट होता है वो प्रोसीजर हमने कहाँ से लिया हुआ है, साउथ अफ्रीका से लिया हुआ है। ऑन रिसीट ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल आफ्टर पासिंग बाय ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट द प्रेजिडेंट, मतलब अगर ऐसा है कि दोनों हाउसेज ने पास कर दिया है उस बिल को, तो फिर पार्लियामेंट को प्रेजिडेंट को क्या करना चाहिए वहाँ पर, तो प्रेजिडेंट शैल गिव हिज असेंट, प्रेजिडेंट को अपना असेंट दे देना चाहिए, उनके पास उस बिल को रोकने का कोई रीज़न नहीं होता है फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अमेंडमेंट प्रोसीजर इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो पहली स्टेटमेंट अगर हम देखें तो फंडामेंटल राइट्स बड़ी चीज़ है और ये सिंपल मेजोरिटी से कैसे पास हो सकती है, तो ये गलत होगा। सेकेंड स्टेटमेंट इसमें ठीक है कि कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें स्पेशल मेजोरिटी चाहिए होती है दोनों हाउसेस की, और आधे स्टेट्स के मतलब एटलीस्ट हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर उसको रेटिफाई करें तो वो होता है। तीन तरह की अमेंडमेंट प्रोसेस होती है, एक सिंपल मेजोरिटी से हो जाती है, एक स्पेशल मेजोरिटी से होती है, और एक में स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए होती है, साथ में आधे स्टेट का रेटिफिकेशन भी चाहिए होता है, तो ये बिल्कुल ठीक है। फिर सी जो है बोल रहा है प्रेजिडेंट कैन मेक अमेंडमेंट्स बाय इशूइंग एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स, तो ऐसा कुछ नहीं होता। और फोर्थ है द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, तो ऐसा नहीं है, वरना इतने सारे अमेंडमेंट एक्ट हमें देखने को नहीं मिलते। फिर अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विद प्रोविजन विच अफेक्ट द फेडरल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो फेडरल कैरेक्टर है अगर इसको अमेंड करना है तो हम किस तरीके से कर सकते हैं, सिंपल मेजोरिटी से या फिर टू थर्ड मेजोरिटी से या फिर टू थर्ड स्पेशल मेजोरिटी ही होती है, ठीक है। और तीसरा है टू थर्ड मेजोरिटी बट ऑल्सो रेटिफिकेशन बाय एटलीस्ट 50% ऑफ द स्टेट्स। जो फेडरल कैरेक्टर है, संघीय चरित्र है हमारे संविधान का, इसको चेंज करने के लिए हमें ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट होगा, टू थर्ड मेजोरिटी चाहिए, साथ में रेटिफिकेशन चाहिए बाय एटलीस्ट 50% ऑफ स्टेट्स। देख लिया ना आंसर, व्हाट इज़ द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर रेटिफिकेशन बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जैसे अभी हमने देखा फेडरल कैरेक्टर अगर है तो उसके लिए चाहिए हमें रेटिफिकेशन चाहिए, तो कितनी टाइम लिमिट होती है, तो कुछ भी टाइम लिमिट नहीं होती। फिर क्वेश्चन है, अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन विच हाउस ऑफ पार्लियामेंट, किसमें इंट्रोड्यूस होता है, तो दोनों में हो सकता है, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ अमेंडमेंट प्रोसेस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन सा पार्ट नहीं है, इंट्रोडक्शन ऑफ बिल ये तो है, प्रेजिडेंशियल असेंट ये भी चाहिए होती है, स्टेट रेटिफिकेशन ये भी चाहिए होती है, पब्लिक रेफरेंडम जैसी कोई चीज़ नहीं है, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन है, 106th अमेंडमेंट एक्ट 2023 इज़ रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है, तो ये हमने अभी नहीं पढ़ा ना, हमने 105 तक पढ़े थे, ये एकदम लेटेस्ट वाला है, 2023 का है 106th अमेंडमेंट एक्ट, और ये संबंधित है रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर से। अभी यहाँ पर इसकी डिटेल अगर हम देखें तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इन्होंने अपना असेंट दे दिया है, कौन है अभी, द्रौपदी मुर्मू हैं, इनके द्वारा असेंट अपना दे दिया गया है इस अमेंडमेंट एक्ट को, और ये प्रोवाइड करता है 1/3 रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जैसे SC/ST को मिला है ना, उसी तरह महिलाओं को भी रिजर्वेशन दे दिया गया है लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह पर 1/3, ठीक है। और ये अमेंडमेंट है लेटेस्ट 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023। और बस इतना ही है हमारे इस आज के इस वीडियो में, आई होप यू लाइक्ड इट।